हेलो डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स दिस इज अवर इंग्लिश ग्राम ऑनलाइन वीडियो फॉर क्लास थर्ड एंड द चैप्टर इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दिस इज अवर चैप्टर नंबर सिक्स ओके डियर स्टूडेंट्स सो काउंटेबल काउंट और अनकाउंट इन वर्ड्स से आपको समझ रहे होंगे काउंट मीन्स गिनती काउंट काउंटिंग्स गिनती है ना काउंटिंग गिनती और गिनती किससे बना है काउंट वर्ड से बनना है काउंट मीन्स गिनना ठीक है तो काउंट एबल एंड कन अनकाउंटेबल काउंटेबल मीन्स जिसको हम गिन सकें एबल योग्य ठीक है गिन, गिनने योग्य एंड अनकाउंटेबल मीन्स ना गिनने योग्य मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते ओके okay? काउंटेबल का अपोजिट हो गया अनकाउंटेबल काउंटेबल मीन्स गिनने योग्य है तो अनकाउंटेबल उसका ऑपोजिट हो गया मीन्स ना गिनने योग्य है ठीक है तो जिसको हम गिन नहीं सकते लेट्स लर्न काउंटेबल एंड अनकाउंट टेबल। ऑल द दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल डियर डेन्ट्स अब हम इसमें उन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनको दैट ऑल द नाउंस दैट कैन बी न्यूम्रिकली न्यूम्रिकली मीन्स संख्याओं से ठीक है न्यूम्रिकली मीन्स संख्या से जैसे वन टू थ्री फोर न्यूमरिकली काउंटेड और कॉल्स काउंटेबल नाउंस जो कि संख्या के अनुसार हम जिसको गिन सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल नाउंस फॉर एग्जाम्पल बॉय मैन टॉय एक्सेट्रा बॉय लड़का लड़के को हम गिन सकते हैं कि कितने बॉयज हैं मैन आदमी को टॉय खिलौनों को भी हम अपने गिन सकते हैं ओके okay? तो ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं ठीक है नाउंस तो बहुत सारी चीज़ें ना आपकी बहुत सारी चीज़ें नाउन्स में आती हैं ठीक है जैसे सॉल्ट हो गया आपका ओके ऑयल हो गया आपका ऑयल भी नाउन है बट क्या हम ऑयल को गिन सकते हैं कि एक और वन ऑयल टू ऑयल नो तो ऐसी चीजें जिनको हम ऐसे ऑल द नाउंस दैट कैन बी न्यूमरिकली काउंटेड जिनको हम न्यूमरिकली यानी नंबर वाइज जिनको हम काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर ओके उन नाउंस को हम क्या कहते हैं काउंटेबल नाउंस ओके डियर स्टूडेंट्स जैसे हम अपने पेन्स को काउंट करते हैं ना वन पेन टू पेन्स थ्री पेन्स ओके इरेजर पेंसिल्स तो इनको हम काउंट कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज ऑल द नाउंस डैट कैन नॉट बी न्यूमरिकली काउंटेड ऑल द नाउंस वो सभी नाउंस डैट कैन नॉट बी न्यूमरिकली न्यूमरिकली मीन्स नंबर वाइज ठीक है जिसको हम नंबर वाइज काउंट नहीं कर सकते जिन चीज़ों को लाइक फॉर एग्जाम्पल सूगर ऑयल वाटर एक्सेट्रा जिनको हम नंबर वाइज काउंट नहीं कर सकते हैं वो नाउन्स होते हैं अनकाउंटेब अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर एग्जाम्पल सुगर मीन्स चीनी ऑयल मीन्स तेल वाटर मीन्स पानी क्या पानी को हम गिन सकते हैं वन वाटर टू वाटर नो अगर पानी वाटर बॉटल के अंदर है तो वाटर बॉटल को हम गिन रहे हैं ना वाटर को नहीं गिन रहे हैं ओके okay? तो इसीलिए जिनको हम वन जो थ्री फोर काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स है और जिनको हम वन जो थ्री फोर काउंट कर सकते हैं वो countable nouns okay dear students next is next it is your practice time to learn about countable and uncountable nouns okay dear students so i am doing this in this video so look at the pictures given below and circle down things न काउंट लुक द लुक एट द पिक्चर्स गिवेन बिलो हमें उन पिक्चर्स को देखना है जो नीचे दी गई है एंड सर्कल द थिंग्स यू कैन काउंट उन थिंग्स को सर्कल करना है जिनको हम काउंट कर सकते हैं ओके तो फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ बुक्स ओके सो दिस बुक्स वी कैन काउंट वन टू थ्री देर आर थ्री बुक्स सेकेंड इज द पिक्चर ऑफ वॉट कैन यू सी आई थिंक दिस इज द पिक्चर ऑफ हेयर क्या हम हेयर्स को काउंट कर सकते हैं नो ओके नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ pen. There are two pens. Next is the picture of sugar. So we can count sugar. No, we, could, we can't count sugar. Okay. Next, this is the bottle of something like parachute oil. So we can count the bottle but not the oil. Okay. And this is last is the picture of boys. Okay. And we can count them. One, two, three, four. Okay. So. The, the things which we can count are three books. We are circling, I am circling them, two pens, and next is our four boys. Okay. now we have circled them hmm? and the rest things are sugar oh sorry hair, sugar and oil which we couldn't count जिनको हम count नहीं कर सकते ठीक है तो ये जिनको हमने काउंट नहीं किया सो अभी हमने क्या स्टडी किया है कि जिन नाउंस को हम काउंट कर सकते हैं नंबर वाइज 1 2 3 दैट नाउंस आर कॉल्ड countable noun so these are काउंटेबल नाउंस काउंटेबल नाउंस काउंटेबल नाउंस ठीक है अब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो नाउंस क्या हो गए हमारे अनकाउंटेबल नाउंस अनकाउंटेबल नाउंस अनकाउंटेबल नाउंस ओके ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते ओके okay? तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस ओके विच वी लर्न बाई दिस पिक्चर्स नाउ वी फाउंड दैट देयर आर थ्री बुक्स टू पैंस एंड फोर बॉयज इन द अबॉ पिक्चर ये हमें पता ही है कि हमें क्या मिला यहाँ पे इन पिक्चर्स में थ्री बुक्स टू पैंस एंड फोर बॉयज इन द अबाव पिक्चर्स रेस्ट ऑफ थिंग्स लाइक सुगर ऑयल एंड हेयर कैन नॉट बी काउंटेड बाकी की जो चीज चीजें हैं रेस्ट ऑफ थिंग्स लाइक सुगर चीनी ऑयल तेल एंड हेयर डेट कैन नॉट बी काउंटेड उनको हम काउंट नहीं कर सकते ओके सो नंबर वन काउंटेबल नाउंस हैव देयर ऑन प्लूरल फॉर्म्स काउंटेबल नाउंस जो होते हैं उनके अपने प्लूरल फॉर्म्स होते हैं ठीक है एक चीज हमें ये पता चली है इसमें हैव देयर ऑन प्लूरल फॉर्म जो काउंट होते हैं अगर काउंट होते समय नंबर सिंगुलर है वन है काउंट कर रहे हैं हम कि वन पेन ओके okay. अब उनका सिंग जब प्लूरल होंगे वन से ज्यादा होंगे ओके मोर देन वन तो हम क्या बोलेंगे दे कैन बी यूज सिंगुलर और प्लूरल इन सेंटेंस वो किसी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लुरल प्लूरल जो है यूज किए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ टॉय मुझे खिलौना दो गिव मी समय एक खिलौना चाहिए Next is, give me toys. कि मुझे खिलौने दो खिलौने कितने बहुत सारे ठीक है तो अब देखो हम सेंटेंस में इनको different से यूज कर रहे हैं ना और अलग अलग एक चाहिए चाहिए तो तो जब बहुत सारे ओके okay, तो इनके अपने सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म होते हैं और हम उनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ओके okay? जब हमें एक चीज चाहिए होगी तो हम उसमें अ लगा के यूज कर सकते अ एन ओके okay? या वन लेकिन जब उससे ज्यादा चाहिए हो गए तो हम क्या करेंगे उनमें उनको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे नेक्स्ट इज अवर नंबर टू ए और एन कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन्स अभी मैंने आपको बताया ना और एन लगा के हम बता सकते हैं सिंगुलर में तो ए और एन कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउंस इफ दे आर सिंगुलर ए और एन कब लगाते हैं हम कॉन्सोनेंट से जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं नाउन्स स्टार्ट होते हैं उनके आगे लगाते हैं ना बट ए और एन का अपना मीनिंग है ए मीन्स एक एन मीन्स एक ओके तो एक मीन्स सिंगुलर जब नाउन्स हमारे सिंगुलर होंगे तो हम उनके आगे ए और एन जो है यूज कर सकते हैं सम इज यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन वेन द क्वांटिटी ऑफ द काउंटेबल नाउन इज नॉट नॉन सम सम इज देखो अभी हमें बोला है कि इफ़ दे आर सिंगुलर कि नाउन्स जब सिंगुलर होंगे हम उनके आगे ए और एन लगा सकते हैं नेक्स्ट है सम इज़ यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन सम जो है एक काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है व्हेन द क्वांटिटी क्वांटिटी मीन्स मात्रा ठीक है गिनना अलग होता है वन टू थ्री फोर लेकिन मात्रा अलग होती है किसी चीज़ की ठीक है वेन द क्वांटिटी ऑफ द काउंटेबल नाउन इज़ नॉट नोन जब हमें काउंटेबल नाउन की क्वान्टिटी ना पता हो नॉट नोन नॉन मीन्स पता हो ना नॉट मीन्स नहीं जब हमें काउंटेबल नाउन की क्वान्टिटी ना पता हो तो हम उसके आगे सम भी लगा सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज़ वेटिंग फॉर यू कि एक लड़का आपका इंतज़ार कर रहा है नेक्स्ट इज सम बॉयज़ आर वेटिंग फॉर यू कि कुछ लड़के आपका इंतज़ार कर रहे हैं हमने उन्हें काउंट नहीं किया है कि हाउ मैनी आर दे ठीक है द बॉय हाउ मेनी आर द बॉयज तो हमने सीधे क्या बोल दिया सम बॉयज आर वेटिंग फॉर यू योग कुछ लड़के आपका इंतजार कर रहे हैं तो सम मीन सम वर्ड क्या शो कर रहा है सम वर्ड जो है आपका उनके नंबर्स को शो नहीं कर रहा है वो हम तब यूज करेंगे जब हमें क्या है क्वांटिटी ना पता हो नेक्स्ट इज अवर वी यूज एनी इफ द स्टेटमेंट सेज दैट देयर इज नो क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन वी यूज़ एनी हम एनी यूज करते हैं एनी मीन्स कोई एनी का मीनिंग क्या है कोई वी यूज एनी इफ द स्टेटमेंट सेज यदि स्टेटमेंट कहता है देयर इज नो क्वान्टिटी ऑफ अ पर्टिकुलर काउंटेबल नाउन अब देखो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ पर्टिकुलर भी यूज़ किया गया है पर्टिकुलर मीन्स विशेष कि जब किसी विशेष काउंटेबल नाउन की कोई क्वांटिटी ना हो ठीक है किसी विशेष काउंटेबल नाउन की मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करा गया हो लेकिन उसकी कोई मात्रा ना हो तो ऐसे नाउन से पहले क्या होगा एनी आएगा फॉर एग्जाम्पल देर इज़ नॉट एनी बॉय वेटिंग फॉर यू कि वहाँ पर कोई भी लड़का जो है मीन्स विशेष किसके लिए बॉय के बारे में बात कर रहे हैं ना देर इज़ नॉट एनी बॉय वेटिंग फॉर यू कि वहाँ पर कोई लड़का भी आपका इंतज़ार नहीं कर रहा है जब हमारे पास कोई भी मात्रा नहीं है किसी विशेष के बारे में देखो फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले जो प्रीवियस हमारा जो एग्जाम वो है पॉइंट है उसमें कहा है कि सम इज़ यूज जब एक बॉय होगा तो हमने बोला अ बॉय इज़ वेटिंग फॉर यू कुछ अब बॉय एक से ज़्यादा है लेकिन हमें काउंटिंग नहीं पता है उनकी क्वांटिटी की कितने हैं तो हमने बोला सम बॉयज़ आर वेटिंग फॉर यू लेकिन जब कोई भी बॉय नहीं है ठीक है बॉय कोई भी नहीं है उनकी कोई क्वांटिटी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे देर इज नॉट एनी बॉय वेटिंग फॉर यू वहां पर तो कोई भी लड़का आपका इंतजार नहीं कर रहा है हम बोलते ना हैं कि कोई नहीं है ठीक है तो कोई नहीं क्या हो गया कोई एनी ओके नेक्स्ट इज यूज ऑफ सम एंड एनी रिमेन्स खोल रही रिमेन्स सेम फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स यूज फॉर सम एंड एनी कि सम और एनी का जो यूज है वो रिमेन सेम फॉर द अनकाउंटेबल नाउंस वो अनकाउंटेबल नाउंस के लिए भी सेम ही रहता है अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते ओके okay? वो उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं सम और एनी यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम टी टू ड्रिंक गिव मी सम टी टू ड्रिंक सम मीन्स कुछ कि मुझे कुछ थोड़ी चाय दे दो किस लिए ड्रिंक करने के लिए देयर इज़ नॉट एनी टी इन द कैटल देयर इज नॉट एनी टी कि वहाँ पर कोई चाय नहीं है हम बोलते ना कोई चाय वाय नहीं है देयर इज़ नॉट एनी टी इन द कैटल कि केटली में कोई चाय नहीं है तो सम और एन देखो आप टी किन चीज़ों के लिए हमने यूज़ किया टी के लिए हमने सम और एनी यूज़ किया टी जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ओके सो नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी चेंज टू प्लूरल फॉर्म्स जो अनकाउंटेबल नाउम्स हैं उनको हम प्लूरल प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं समझ रहे हैं आप कि जो अनकाउंटेबल नाउम्स हैं जिससे टी है तो टी को हम टीज नहीं लिखेंगे कभी ओके okay? टी को हम टीज नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको हम क्या कर क्या कर क्या नहीं कर सकते प्लुरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको प्लूरल में चेंज भी नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम ऑयल इन द पैन देयर इज सम ऑयल इन द पैन की पैन में फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल है अब नेक्स्ट में देखो देयर आर सम ऑयल्स इन द पैन सम ऑयल्स ऑयल्स का मिन्स बहुत सारा तेल बहुत सारे तेल ऑयल्स ओके okay? कि पैन में बहुत सारे तेल हैं सो so इट uh, कुछ सम ऑयल सॉरी कुछ तेल हैं तो इट इज़ करेक्ट नो द करेक्ट इज़ द फर्स्ट वन देयर इज सम ऑयल इन द पैन कि पैन में थोड़ा तेल है ओके okay? तो जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउंस हैं जैसे ऑयल हो गया हमारा टी हो गया हमारा शुगर हो गया हेयर हो गया इन सब चीज़ों को क्या है हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम इनको हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड इनका सिंगुलर में ही हमेशा यूज़ होना है नेक्स्ट इज मटेरियल्स लाइक गोल्ड सिल्वर कॉटन स्टील मिल्क कॉफी टीक एक्सेट्रा आल आर ऑल अनकाउंटेबल नाउंस अब मटेरियल जो हमारे यानी कि सामान है पदार्थ है ठीक है जैसे गोल्ड हो गया आपका सिल्वर गोल्ड सोना सिल्वर आपका चांदी कॉटन सूती स्टील स्टील जो होता है हमारा मिल्क दूध कॉफ़ी टी ओके एक्सेट्रा आर ऑल अनकाउंटेबल नाउंस ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउंस हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट दिस इज आवर चैप्टर आवर अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल इन विच वी लर्न अबाउट द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड न्यूमरिकली एंड द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड न्यूमरिकली हमने उन नाउन्स के बारे में पढ़ा जिनको हम न्यूमरिकली वन टू थ्री फोर काउंट कर सकते हैं तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं दैट नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं दैट नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स ओके डियर्स फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन डू द एक्सरसाइज विच आई विल गिव यू ओके थैंक्स